पहला लाइन लगता है, हे सर्वशक्तिमान हे सर्वविद्यमान पिता परमेश्वर मु आपण को संता मो प्रति कृपा करो। इन लाइन मते बलवान बुद्धिमान ज्ञानवान हेबा सहित सत मार्ग रे रही सत कर्म करबा पई अनन्य शक्ति दे। अगर आप बलवान नहीं रहोगे तो स्कूल आ पाओगे? इसलिए आपको शक्ति चाहिए। और बलवान होने के लिए शक्ति कहाँ से आती है? शुद्ध शाकाहार शुद्ध भोजन से, शाकाहार भोजन से, अच्छे भोजन से, शुद्ध भोजन से, पवित्र भोजन से हमें ताकत आती है कि नहीं। और ज्ञानवान ज्ञान हमें कहाँ से आता है? सारे संसार से हमें ज्ञान आता है। और हम जो विद्यार्थी अभी है तो हमें गुरुओं से ज्यादा ज्ञान आता है। मैं आपको सिखाया हूँ गुरु को कैसे सुनना है, सिखाया हूँ कि नहीं? मन आया सारे फोकस सिखाया हूँ आपको। अक्सर आपको गुरु को सिखाना है और वही रेस्पेक्ट गुरु को क्या मांगना है प्रभु से? बोले बलवान ज्ञानवान बुद्धिमान। लोग तो आंखों से देखते हैं, मुझे विचारों से दिखना सिखा दीजिए। लोग तो जितने ऐसे बुद्धिमान बनाए, बलवान ज्ञानवान बुद्धिमान नेवा सहित सत मार्ग रे रही सत कर्म करिबा पई अदम्य शक्ति दे। समझ के मैं ऐसे प्रार्थक हूँ, मेरे पिता परमेश्वर उन्हें ऐसे मांगा। और क्या बोलता हूँ उन्हें? आपण को संतान है बारे, हाँ आपण को अंश विशेष है बात। हम सब भगवान का अंश है कि नहीं, ईश्वर के अंश है कि नहीं? अगर मैं आपका अंश हूँ, मैं आपका बेटा हूँ या बेटी हूँ, तो मेरा स्वरूप मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए? आपके लिए होना जैसा होना चाहिए कि नहीं? तो कोई आदमी मेरे को देखे तो मेरा नाम भले कुछ हो, मेरा जात भले कुछ हो, मैं कोई भी हूँ, मैं गरीब या अमीर हूँ, लेकिन उसमें एक अच्छे इंसान दिखना चाहिए। अगर कोई मुझे देखे तो मुझे अच्छा इंसान दिखे, क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूँ। समझते हो बात को? आप को अंश विशेष सेवा रो गर्व आओ गौरव को महिमा मंडित करिबा पाई मोर समस्त ऊर्जा एवं संपदा जनहित जन कल्याण में समर्पित। आप बोलोगे सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास संपदा क्या है? ऊर्जा का मतलब आप समझते हो अंदरूनी शक्ति ताकत, समझते हो कि नहीं? कोई गड्ढे में गिर गया है, मेरे पास ताकत है, मैं उसको खींच के निकालू, मेरा शक्ति है कि नहीं? ये जनहित अच्छा काम हो। लेकिन संपदा क्या मेरे पास है? संपदा है जो मैं जनहित में समर्पित कर रहा हूँ। आपके पास संपदा क्या है बता दो? आप ये एजुकेशन जो आप सीखते हैं, आप 10 में आ गए, क्या आप 3-4 क्लास 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, उन्हें समझा नहीं सकते? ये आपका संपदा है, ये आपका प्रॉपर्टी जो आपके पास है, और उस बच्चे को देकर आप खुश हो सकते। जैसे गुरु आपको सिखाकर आप अगर अच्छा पढ़ते तो खुश होते कि नहीं? सीना छोड़ा करते, ऐसे आप कोई छोटे बच्चे को सिखाकर आप खुश हो सकते। उसके बाद बोलना कल्याण हो मेरा, कल्याण हो मेरा। भगवान से सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, किसी के लिए, सिर्फ अपने लिए बोलना, क्योंकि मैं ही हूं तो जगत है, मैं ही हूं तो सब। अगर आप यहां नहीं रहोगे सारे दोस्तों का क्या मूल्य रहेगा? अगर आप अच्छा नहीं रहोगे तो सारा दोस्तों में क्या मूल्य रहेगा? समझते हो? सिर्फ उसका क्या होगा वो समझे, बस अपने लिए। आप अच्छा बनोगे, अच्छा हो जाओगे, अच्छा करोगे तो लोग आपसे सीखकर अच्छे करोगे, है कि नहीं? तो मैं ऐसे रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान को, मैं ऐसे मानता हूँ कि भगवान मुझे बहुत अच्छा बना दीजिए ताकि लोग मुझे इंस्पायर करें, मुझे देखें, मुझे सीखे, है कि नहीं? बस ऐसे आपको ईश्वर मान। अगर ये प्रार्थना आपको अच्छा लगा, इस कागज को चिपका देना, आप जहाँ बैठते हो पढ़ते हो सुबह नहा के आने के बाद एक बार कम से कम प्रयास कर लेते। अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, जैसे आप रोज करते हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे करें।